Hello guys, in this video I will discuss last year 2020-23 toppers Aditya Srivastava. He was secure All India rank first. So this is ethics copy like GS4. So in this video I will not discuss ki what can I cover, but I have also discussed like this is, sorry for that, this is your A4 size paper, this is your A4 size paper, and then this is like second A4 size paper and then third A4 size paper, and the UPSC can provide it. These are, so you have not write anything beyond the page. So let's start now. These are 20 questions, and these 20 questions, the second half can be 10 case study, but sorry for 10, maybe 8 case study, and remaining like your 10 question, ye 10 question further divided two parts. Like first is your quotes, जो मॉरल थिंकर हैं इंडियंस के और वेस्टर्न के थिंकर्स हैं, वो आपको कोई थिंकर्स का कोई कोट्स आ जाएगा, देन यू हैव एलोबोरेट. एंड देन सेकंड लाइक जो सोसाइटी है और सोसाइटी को बिल कनेक्ट करेंगे हम अपने एथिक्स के, तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं चलेगा और यहाँ पे आपका वो नहीं चलेगा. तो इसके लिए ओनली एंड ओनली यू हैव टू प्रिपेयर for toppers copy, not other sources. So let me discuss, like this is 10 question 150 marker and another 10 question like 150 words you have write down. So let's start now. This is my first time I will record my mobile phone, and then I have also discussed my laptop and my tablets a lot of lectures. So let me continue, then I be rough, and then let's talk about. So this is topper copy, you can also download. This is not a original topper's copy, but the vision IS can conducted Abhyas test series. This is those copy I have also given the test series like vision IS conduct. So this is your first question, lot of dimension, how marks can obtain. Like first a question hai, 10 marker question, how you are obtain. So let me finish. This is your first question. यहाँ आपके टॉपर्स की कॉपी को देखना है कि वो किस तरीके से और कौन से डायग्राम, कौन से एग्जांपल, और वो आपके लॉट ऑफ एफर्ट्स के थ्रू कैसे अपने जो लाइक होता है मार्क्स को बूस्ट करते हैं, हमको बस वो सीखना है. तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट, लाइक एनी क्वेश्चन यू हैव रीड टू टाइम्स, यू हैव रीड टू टाइम्स. लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, द लॉजिक एंड लिमिटेशन वेल्थ लाइक अ बेसिक ह्यूमन इंस्टीट्यूट फॉर फर्दरिंग सेल्फ एंड इंटेंट, दिट इज द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स and ist context. So this is the do you think there is the possibility for the pursuing ethical and capitalism. Agar maybe you have not like some words you can don't understand, then you have prefer for Hindi words, like I have read, but I my Hindi also be asimit sampatti ka tark ke labh ke roop mein show स्वहित के पूर्ति के लिए, स्वाहित सॉरी स्वाहित के पूर्ति के लिए बुनियादी मानव प्रवृत्ति के लिए निहित है. जो लाइक हमारी अनसर्टेन मनी होती है, लाइक मैक ब्लैक मनी हो गई, तो निहित है. इस संदर्भ में क्या आपको लगता है कि नैतिक जो आपका मोरल्स है, एथिकल कैपिटल के अनुसार होने की संभावना है. तो दिस इज माई लाइक बेसिक क्वेश्चन, आई हैव अंडरलाइन की वर्ड्स. लाइक फर्स्ट हो गया लिमिटेशन ऑफ वेल्थ, अब वेल्थ को कैसे लिमिटेशन करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बेसिक ह्यूमन
या बेसिक ह्यूमन इंस्टेक्ट एंड फर्दर लाइक सेल्फ इंट्रैक्टेड बाय द फ्रॉम द प्रॉफिट। तो लेट मी थिंक, फिर हमको फर्दर हम कंक्लूड करेंगे किस में, इथिकल कैपिटलिज्म। क्या ये हमारा जो एक्चुअली इथिकल कैपिटलिज्म, तो आपका इथिक का जो पेपर है वो उसमें आपको लॉट ऑफ डायमेंशन लाइक दिस आर इथिक्स पेपर ऑन सम कीवर्ड्स लाइक हॉनेस्टी क्या होती है, और आपका डिलिम्मा क्या होता है, प्रोबेटी क्या होती है, इंटरग्रिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। दिस वर्ड आपके ओन लैंग्वेज में आपको होना चाहिए। और गांधी का जो थॉट्स है एंड द टैलिसमैन है तो गांधी का, वो भी आपको लर्न होना चाहिए। तो देन आई हैव रफ एंड कंक्लूड दिस, द बेसिक ह्यूमन इंस्टेक्ट द प्रोग्रामिंग विथ द इंडिविजुअलिस्टिक एंड द अप्रूव फॉर इंश्योरिंग द सेरेब्रल सेल्फ एंड हाउ एवर द मॉडर्न एज। अब यहाँ पर मॉडर्न एज की बात की है। दिज आर द प्रेजेंट ऑफ द डायमेंशन या डिजायर फ्रॉम द लाइफ स्टाइल्स एंड द वेल्थ ऑफ लीडिंग। अब इन्होंने क्या बता दी, जो बेसिक ह्यूमन की नीड्स है यहाँ पर डिज़ायर हो गई एंड सर्वाइवल फॉर सेल्फ, एंड फिर यहाँ पर उन्होंने सेल्फ कर दिया, ह्यूमन की डिज़ायर सेल्फ ही है। फिर हाउ एवर देन इज मॉडर्न एज, अब इन्होंने क्या किया कि जो हमारा कंक्लूज़न था इट्स सेल्फ के लिए उन्होंने खुद पे ले लिया। अब हमारा जो कंक्लूज़न, हम यहाँ पे क्या, हम अपना दूसरा डायमेंशन, आपका डायमेंशन यहाँ इट्स सेल्फ से था कि सर्वाइवल ऑफ सेल्फ, अब इसी को इन्होंने मॉडर्न से कनेक्ट कर दिया। हाउ एवर दिस इज़ द मॉडर्न एज एंड द प्रेजेंट ऑफ द डायमेंशन फॉर लाइफ स्टाइल एंड वेल्थ। अब लीडिंग टू, अब यहाँ पे इन्होंने की पॉइंट में, जैसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि कंपैशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गांधीयन एंड ट्रूथनेस या ट्रूथ से सिप, तो दिस अगेंस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेंस। फिर हम करेंगे द लीड्स एंड कंपनी एंड कोलेस्टिक इंस्टेंट फैन अगेंस्ट अगेन अल्टीमेशन फॉर द नॉट इन सोर फॉर द मैक्सिमम हैपन ऑल द प्रॉफिट सेल्फ एंड ओवरऑल अदर्स। अब इन्होंने क्या किया, दिस मेक फॉर द नाइस विच इज़ द नीड टू रिसॉल्व द वाइज एनीथिंग फॉर। अब इथिकल कैपिटल, हमें जो हमारा कीवर्ड्स था इथिकल कैपिटल, ये अब हम ह्यूमन बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के बारे में बताए। अब हमारा ये आगे ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल होती क्या है, डू यू नो, हेल्थ, एजुकेशन, अपहोल्ड द स्पिरिट फॉर द कंट्री, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होना चाहिए, गिव द बैक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी। अब हमें सोसाइटी को ध्यान में रख के चलना है, इंगेजिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इमोशन सस्टेनेबिलिटी एंड द ट्रेंड फॉर द वर्कर अकॉर्डिंग टू योर लाइक एक्सपेक्टेशन एंड द कंपनी, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ द ट्रूथनेस ऑफ वर्कर। तो दिस आर द लाइक इथिकल कैपिटलिज्म हो गया। देन द चैलेंजिंग या मे बी द चेंजिंग द प्रॉफिट टू वर्ड फॉर इंस्टीट्यूशन वेल्थ फॉर इनोवेशन एंड ड्राइव ओपनिंग फॉर हेल्दी एंड द वॉरेन बफेट सेड दैट लीड बाई एंड दिस इज। फिर इन्होंने कंक्लूजन क्या किया, जहाँ पे वॉरेन बफेट का इन्होंने कोट्स दे दिया, दिस कैन बी हेल्प टू मेक अ केस फॉर द इथिकल कैपिटलिज्म फॉर इंश्योर टू द गांधी जी सर्वोदया। दिस इज नॉट सर्वोदया, सर्वोदया इज लाइक इट्स सेल्फ फॉर बिलीव वाइल द अपलोडिंग फॉर द कॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी सब सोचते हैं। तो दिस आर द कंक्लूजन एंड मूव ऑन योर सेकेंड क्वेश्चन, वॉट सेकेंड क्वेश्चन कैन से। फर्स्ट, इफ़ यू लॉ अनजस्टिस, मान लो कोई लॉ अनजस्टिस है, ए मैन नॉट ओनली राइट एंड डिसओबे इट्स एंड द ऑब्लिगेटेड टू डू सो, डिस्कस। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है या कानून अन्यायपूर्ण है तो व्यक्ति उसकी अवज्ञा करना न केवल उचित है अपितु करना भी उत्तरदायित्व नहीं है।
तो दिस इज योर क्वेश्चन, ला अनजस्टिस है और राइट डिसोबी और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द लॉ एंड अनजस्टिस है एंड डिसोबे है। तो हमारा स्टार्ट होगा लॉ से, तो लॉ इज रेफर टू द वर्ड कंसर्न विच हैज़ बीन द क्रेडिटेड इन द सोसाइटी एंड द कन्फाइंड फॉर द अपेयरिंग हाउ एवर लॉ कैन बी द ऑब्जेक्टिव या ऑब्लिगेंट। पर यहाँ पे अनजस्टिस है, सॉल्ट टैक्स वॉज कॉल्ड अप द गुजरात बाय द गांधी, ठीक है। नाज फाउंडेशन एफर्ट फॉर हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 377 अनजस्टिस फॉर द हाउस होम सेक्सुअल्स। फिर इन अदर इन सच एज द केस हायर मोरालिटी ऑफ द इंडिविजुअल टेकन द प्रोविजन फॉर द अचीविंग अ लॉ हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ऑफ द चेंजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सोशल चेंज। दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ कैबर। देन द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल, अब मेरी इंडिविजुअल की खुद की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। इन सच केस इंडिविजुअल हैज बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट विद द स्पिरिट ऑफ निष्काम कर्मा। दिस इज द भागवत गीता से अब इस केस में मुझे अब खुद को इन्वॉल्व करने का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। इन केस फॉर द इंडिविजुअल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, तो इन केस द हम निष्काम कर्मा करेंगे वर्क टूवर्ड एंड टेलिंग पीपल अबाउट व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू सेपरेट अवेयरनेस मैं करूँगा। इफ ही एंड सी कैन द सिविल सर्वेंट कैन नॉट अडॉप्ट द ग्रीवांशिस एंड मैकेनिज्म अंडर द रेलेवेंस फॉर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इफ अ कॉमन सिटीजन, लाइक इफ आई एम कॉमन सिटीजन कैन आई वर्क विद द सिविल सोसाइटी एंड प्रिवेंशन या ऑपरेसिव ग्रुप लाइक NGO हो गया एंड फॉर द रिपीलिंग फॉर लॉ दैट इज ऑल्सो ऑल ऑफ दीज फॉर द अप्रोच आई द कोर्ट गेट देयर इज द राइट ऑफ होल्ड फॉर द सेक्शन 377 इन केस। अब इन कंक्लूजन में हमें क्या देना, कंक्लूजन में हमें सोल्यूशन देना, यहाँ पे हम आर्टिकल मेंशन नहीं कर सकते। तो दिस विल बी इंश्योर दैट द इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ लॉ डाउन या बो डाउन फॉर द अनजस्टिस इनजस्टिस विच इज द अबव टू टेकिंग एंड केयर दैट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल ग्रोथिंग बट दैट इज द लार्जर कंसर्न विच इज द शेप ऑफ द लॉ फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ द लॉज एंड जस्टिस। Then move on to your third question. The capacity of citizen charter. What is the citizen charter? First you have to know what is the citizen charter. Citizen charter as the moment began for the UK, he have the been to recorded by the second ARC report. Has the ये क्या है, bulk work for the good governance करने के लिए किया गया था। तो दिस आर सिटीजन चार्टर है, उसमें सिटीजन के क्या राइट्स हैं, व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द सिटीजन चार्टर, राइट्स द कंज्यूमर वेलफेयर, दिस आर द सिटीजन चार्टर एक्ट। एंड फिर देन आर द लाइक एंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द प्रोविजन एंड कंडीशन अपॉन द बिगिन फॉर अप्रोचिंग फॉर डिजाइनिंग एफिशेंसी एंड एक्सिट्यूट फॉर डिस्कस करना है हमको। However, the implementation has been given by any transparency for the result due to the kya wish to lack of appreciate for the design. So first, maybe I have some changes for the Citizens Charter Act. What can be the provision? So lack of approach for the design. These are the concern for यहाँ पे बात करेंगे क्या उसमें डिज़ाइन में प्रोसेस है। नॉट फॉर द इंक्लूजन सिंस नॉट फॉर द रिनेबल,
नॉट फॉर द पार्टिसिपेटेंट सिंस डिडेंट. अब जब से बना इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं हमें, इंक्लूडिंग टू द स्टेक होल्डर फॉर द डिज़ाइनिंग. अब जो हमारे लाइक एनी लॉ एंड कुछ भी बनेगा तो उसमें तो सिविल सोसाइटी है. अब उसमें थोड़ा सा हम उनको उनका भी, जैसे आई एम अ किंग देन द आई हैव रूल अ किंगडम, अ पीपल्स आर नॉट अ वेवर, नॉट अ वेवर, नॉट फीडबैक आई हैव टेकन, तो व्हाट आई कैन मेक आई द लॉ मेक बाय द पीपल्स, पीपल हुम बाय देम. तो देन आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड लाइक यू हैव ऑल्सो रीड फॉर योर हिस्ट्री, अकबरा अकबर हो गए, बहुत सारे जहांगीर हो गए, क्या करते थे कि एक सिस्टम था, रजिया जजिया ही थी, रजिया जो सुल्ताना थी वो भी थी, लोगों को दरबार में लोगों की बातें सुनती थी. नॉट ट्रांसपेरेंट सिंस द इंफॉर्मेशन नीडेड टू होल्ड अप द पीपल डाउन. अब ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गया, लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर द नॉट इफिशेंट, रिलेटेंस फॉर द चेंजिंग एमंग द ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिविटी. फिर हम दिस इज द कॉल्ड ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिटीजन एंड द चार्टर एक्ट मूवमेंट एडॉप्टेशन सर्वोत्तम मॉडल सेकेंड ARC एंड टू फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस द डिलीवरी. दिस आर द क्वालिटी ऑफ सर्वोत्तम मॉडल एंड इंश्योरिंग टू द राइट एंड द बेस्ट ऑन अप्रोच फॉर द पीपल एंड लेजिस्लेशन प्रिपेयर फॉर द departmental and label and not up to the one size files all of ensure to the decentralizations effective yeah efficiency for exercise ensuring the social adult and the participation for overall and the guided app. This is would be the ensure for the Kautilya and yoga सरम एंड द पब्लिक सिंस द डिलीवरी. कौटिल्या के अर्थात से सिखाएंगे. द मोरल फाइबर इज द इथिकल कंडीशन. अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी इंश्योरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नेंस बट आल्सो कैन ओन फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर द एलिबरेट करना है. तो फर्स्ट आई हैव से टू ऑल ऑफ पीपल हु हैव गिवन टू मेंस दिस ईयर. You have like keywords, elaborate, discuss, critically analyze. These are some keywords you have also prepare. What elaborate में क्या करेंगे, dimension कैसे, answer कैसे करेंगे, critically endangered या critically discuss. तो these are the shadow of governance. अब दिस ये UK में भी केस था तो दिस इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा था. द ऑन गोइंग ऑफ द डिबेट फॉर द यूथनेशिया. डू यू ने फर्स्ट यू हैव नो व्हाट इज़ द यूथनेशिया. एनी पर्सन हु कैन राइट टू डेथ लाइक सच अ क्रिटिकल सिचुएशन यू कैन डिमांड इन कि आई विल डाई. देन द आल्सो सम कंट्री कैन बी बैन लाइक UK एंड maybe आई डोंट फ्रांस एंड द यूरोपियन यूनियन के मोस्टली 3 or 4 कंट्री हैं. दे कैन बी ऑल्सो बैन. तो यूथनेशिया इज़ द राइट ऑफ द पर्सन टू चूज ऑफ द डाई एंड वल्नरेबिलिटी फॉर द रिसेंट केस फॉर द वुमेन स्टॉपिंग हैज बीन थ्रू द फ्रेंड फ्रॉम द ड्राइविंग अवार्ड फ्रॉम द यूथनेशिया एंड रिफर फॉर द डेबिट. अब क्या है यूथनेशिया तो यू विल बी डिसाइड. फिर द पोज सेवरल इथिकल क्वेश्चन अब डिस्कस करना है इसमें. तो ये बहस एक नैतिक प्रश्न की जन्म देती है. ठीक है यार क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन. अब क्या है इथिकल अगेंस्ट टू द यूथनेशिया. अब हम इथिकल बता देंगे कि यार यूथनेशिया का क्या. तो राइट टू bodily for autonomy for any person of the person. ठीक है सॉरी. and the compassion toward for the person and the like. यहाँ पे example आपको यहाँ से भर डालने हैं. अरुण शाह बैंक फॉर ये बैंक केस हो गया. right to cookies which have been to stable for the
कंसोमेंट फॉर द इम्पॉर्मेंट लाइट टू या स्टेट इंटरफेरेंस फॉर द प्राइवेट शेयर फॉर द डिसेबिलिटी फॉर द यूथिनेशिया अगेंस्ट हॉविशन केस फॉर कोलगेट। फिर अब अगेंस्ट हो गया, फिर इथिकल अगेंस्ट टू यूथनेशिया। अब हमें इथिकल उसके अगेंस्ट क्यों होना चाहिए? ए पर्सन में भी नॉट बी टू द स्टेट गिवेन द कंसर्न फॉर द नॉलिजेशन आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ डजन नॉट टू बी इंक्लूडिंग राइट टू डाई। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमें फर्स्ट थिंग तो डिस्कस करना है, तो हम फेवर में भी बताएंगे और इन फेवर में बताएंगे और डिसफेवर में बताएंगे। एडवांटेज क्या है यूथनेशिया के एंड डिसएडवांटेज। तो राइट टू लाइफ है, पर ये फेयर नहीं कि राइट टू डेथ। अगर हमारे जीने की अधिकार है, आर्टिकल 21 सेज दैट कि राइट टू लाइफ, देन राइट टू डाई डजंट से इंक्लूडिंग द स्टेट हैव बीन द रोल एंड अप होल्डिंग वेलफेयर फॉर द यूटिलाइजेशन एंड अलाउ टू द यूथनेशिया फॉर द लूजली कैन बी द सप्लाई स्लॉप। इट कैन बी द मिस यूज फॉर द वनरेबल सेक्शन लाइक यूथनेशिया अपेरेंट टू गेट अ प्रॉपर्टी। दिस इज मिस यूज फॉर यूथनेशिया लाइक एनी पर्सन लाइक योर ओल्ड ग्रैंड फादर हु हैव डाई लाइक 1 and 2 years देन यू हैव गिवन अ यूथनेशिया बिफोर 1 year 2 years यू कैन डाइड फॉर 1 month 2 months। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या चेंजेस कर सकते हैं। नीड फॉर द होम इज द हैव बीन टू बैलेंस अप्रोच लाइक विद टू अरिस्टोटल से द गोल्डन मीन्स टू अलाउ द यूथनेशिया विथ सेक्स ऑफ सेफ गार्डेड फॉर द इथिकल यूजेस। हाँ, मे बी अगर कोई सफर कर रहा हो, एनी पर्सन कैन बी सफरिंग फ्रॉम लाइक सम डिसीजेस, देन यू हैव ऑल्सो राइट फॉर डाई because the pain can be, I know what a pain for feel for any person. So that's euthanasia. Then move on next. This question can be asked because euthanasia is very important for the humankind. Up then I have moved to, this is the third B question. The foreign ads first, you know, foreign ads like hamara jo multiple companies hain investment for Indian Sensex Nifty and some multiple companies who have the shareholder for this. The foreign ads from the neo-colonialism had been economically and healthy, the country can be exploitation of the developed countries under the cloak and ad examine करना। अब विदेशी सहायता नए उपनिवेशवाद का एक रूप है क्योंकि यह आर्थिक रूप से समृद्ध देश सहायता की आड़ में विकसित देशों की शोषण कर रहे हैं, इसका एग्जामिन करना है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊँ, लाइक एनी क्वेश्चन यू हैव सीन, फर्स्ट यू हैव फ्लो चार्ट इन योर माइंड how to I will tackle this question in front of like you have not read these are types question. So then foreign ads hoti kya, a foreign ads is the component for the institutional yeah international funding for often have been used as scam for misuse. A foreign ad for exploitation development for country. Ab jaise foreign ad I have known, what is foreign ad? Foreign ads such a terms like WHO, ILO can give in any country like Fred have situation and economics can slow down, maybe stopped. Then the Sri Lanka, the recent example of Sri Lanka, he have the bankrupts, maybe the economy dependent on the tourism sectors, then definitely
तो अब इसमें हम बता दें द फॉरेनर्स, अब जो फॉरेनर्स आता है उसमें लाइक हमारे FDI आती है, इंडिया के सबसे ज़्यादा FDI आती है, तो मे बी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट नहीं सॉरी 200 समथिंग है, जो मोस्ट ग्लोबल में एज चाइना की, इसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर चाइना थर्ड पोजीशन पे आता है 59। आई हैव द फर्स्ट टाइम इंडिया हैव अचीव फॉरेन रिजर्व, जो हमारे एड्स आते हैं लाइक कोई फॉरेन कंट्री में, UK में, जर्मनी में, फ्रांस में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, तो वो अपने जो सर्टन वहाँ पे अमाउंट जो हम वहाँ पे मतलब लाइक हमें वो मिलती है तो हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये फॉरेन नेट्स हो गई। फिर हम फॉरेन नेट्स, अब कोई कंट्री कैसे डेवलप होते, अगर मैं मान लो कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड होता है किस में होता है, डॉलर में होता है, तो डॉलर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लाइक फर्स्ट ओपनिंग फॉर द नेशन, लाइक OPQ फॉर द नेशन एंड द फंडिंग लीडिंग फॉर द कंट्री एंड लैक ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। हाँ मे बी आप फॉरेनर्स ले लो और पब्लिक वेलफेयर के लिए तो हो गए, जैसे जापान ने फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया इंडिया में, तो वो पावर प्लांट का यूज़ जापान थोड़ा ना करेगा, इंडिया यूज़ करेगी, किस टाइम में यूज़ करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेगी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हमको चाहिए, यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ से मिलेगा, कजाकिस्तान किर्गिस्तान से मिलेगा, और उसके लिए हमें CTBT और NSG का हमें मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल डाल दिए नाइजेरिया का, नाइजेरिया बेस्ट एग्जांपल फॉर ही हैव लाइक WHO हो गया आपका, WHO तो नहीं देता, फिर वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक सर्टन टाइम एंड कंडीशन भी रखता है, और IMF हो गया वो भी लोन देता है, तो वो सर्टन टाइम भी रखता है, ऐसे कोई कंट्री लोन भी नहीं देती है। फिर हमारा सेकंड आ गया ग्लोबल लाइक मेन पब्लिकेशन फॉर लीडिंग टू द प्रमोशन फॉर द सेल्फ लाइक इंटरेस्ट ओवरऑल द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ मैंने आपको इसके पहले ही कि जैसे मैं आपको लोन दूंगा, मैं भी आपको पैसे दूंगा, तो मेरी सर्टन कंडीशन तो रहेंगी, कंडीशन रहेंगी यू फुलफिलमेंट देन आई हैव गेम टू एड्स, तो पाकिस्तान के साथ यही कंडीशन है अभी। अब इन्होंने BRI एंड द डेविट फॉर द डिप्लोमेसी, अब BRI बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये BRI दूसरा है, एंड द श्रीलंका फॉर द मॉन्ट्रेगो एंड लीजिंग फॉर द क्राइसिस, अभी मैंने श्रीलंका का क्राइसिस डिस्कस ही किया, तो बहुत सारे लोग। फिर शॉपिंग शॉपिंग फंड फॉर द लैक ऑफ ओन कंट्री एंड एडॉप्टेशन लिंक फॉर द क्रेडिट अप्रोच, सिप होल्डिंग यश। फिर देन IMF, मैं पहले भी डिस्कस, IMF फॉर द कंडीशनली इम्पेनिंग फॉर द सोवरेनिटी फॉर द नेशंस, हाउ एवर द इंटरनेशनल फंड फॉर द हेल्प टू द प्रोमोट डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट कंट्री। हाँ नो डाउट्स आई विल एग्री कि जो इंटरनेशनल एड्स आती हैं वो हमारे डेवलप करते हैं किसको, कंट्री को, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं है, हमें डिपेंडेंस है, या तो हम फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दिस इज़ चाइना दिस इज़ इंडिया, द इंडिया प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर नहीं, ये सेमी कंडक्टर एंड सम अदर रॉ मटेरियल्स एंड द चाइना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पूरा डिपेंडेंस, ताइवान है सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम यूरेनियम, हम खुद डिपेंडेंस हैं यूरेनियम, तो हमें क्या सर्टन टर्म्स होती है हम उसको फॉलो करते हैं। हाउएवर डेवलप कंट्री कैन बी हेल्प, एंड फर्स्ट इसमें से है ग्लोबल क्लाइमेट फंड फॉर द फंडिंग फॉर ग्रीन जॉब एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। हाँ ठीक है, अब जैसे एड्स तो आते हैं बहुत, तो यहाँ पे हाउ एवर द इंटरनेशनल फंड फॉर द हेल्प टू प्रमोट ए डेवलपमेंट कंट्री टू डेवलप कंट्री, लाइक कोई कंट्री अभी लेस डेवलपमेंट है, लाइक अफ्रीका एग्जाम्पल है, द UPSC आल्सो आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस डेकेड 20th century गोज टू द अफ्रीकन या यूरोपियन यूनियन, देन 21st century गोज टू एशियन नेशन, देन द 21st century द बीकेम द अफ्रीकन नेशन,
अफ्रीकन नेशन बेस्ट डेवलपमेंट हो, तो इन्हें कहा कि ग्लोबल हेल्प कर देगा। अगर कोई एड्स आती है तो वो कंट्री डेवलप ही तो करेगी, और डेवलप से अगर अंडर डेवलप है तो डेवलप आएगी, डेवलप है तो अब आ जाएगी ये क्या डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगी। तो ग्लोबल क्लाइमेट फंड फॉर द फंडिंग ग्रीन जॉब्स, हाँ ग्रीन जॉब मिलेगी दूसरे कंट्री, डेवलप कंट्रीज एड फॉर बाय द यूएसए, अगर यूएसए देगा तो वह वेरियस फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉर ये फूड सिक्योरिटी लाइक फंडिंग, ठीक है। द वर्ल्ड विल बी द वर्ल्ड फूड फोरम फॉर इम्प्लीमेंट, अब हमने इसके पहले ही बताया था कि अगर लाइक कुछ फ्लड वाइज जैसे सिचुएशन आ गई, फ्लड वाली सिचुएशन हो गई और ड्रॉट्स आ गए किसी कंट्री में, उसकी जीडीपी डिस्ट्रॉय हो गई, तो देन अदर कंट्री कैन बी हेल्प, नथिंग डोंट वरी। तो वर्ल्ड ये द फूड सिक्योरिटी दैट इज़ द फंडिंग फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक्सपोर्टेशन एंड फिर देन नॉट दिस इज द नॉट नन नॉट अभी क्या लिख नॉन इन्वेशन एड्स फॉर लाइक इंडिया वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी, हाँ ठीक है। अब देखो इंडिया ने भी क्या की कि जो नॉन वैक्सीनेशन एड्स है, अब कुछ तो ऐसी कंडीशन आते हैं कि हमें लाइक हमने कभी ऐड ही नहीं किया, लाइक इंडिया वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी बेनिफिट फॉर अफ्रीका एंड अदर नेशन एंड ड्यूरिंग द COVID-19 एंड लीडरशिप शो, हाँ ठीक है लीडरशिप तो शो ही होगी, बहुत ह्यूज कंट्री थी क्यों नहीं, चाइना ने नहीं दिया, अदर कंट्री पर मॉडरेना था, यूरोपियन कंट्री स्पुतनिक था, सम कंट्री कैन बी हेल्प अदर कंट्री इफ यू हैव लाइक डिस्कवर ए मेडिसिन टू वेलफेयर फॉर ह्यूमन सोसाइटी देन यू वैल बी डन एंड डू दिस जॉब आई हैव ग्री, इंडियन लोगों ने तो फ्री में अवेलेबल कराया। अब देन हम कंक्लूजन में जाना है कि अगर हम फॉरेन एड्स लेते हैं तो हमारी कंट्री डेवलप होगी, अगर नहीं डेवलप होगी, डेवलप होगी डेवलप से हमें डेवलप लेस डेवलप से डेवलप कंट्री बनना है, फिर इसकी क्या कॉन्सेस क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी बताना है, फिर मोस्टली तो वेलफेयर नहीं होगा, बट वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके लिए तो वेलफेयर ही होगा। देयर बाई द वेंट टू बिहाइंड द एड एंड डिटनेशन डेंटन माइंस फॉर द मोबाइलिटी एंड द अदर्स फ्रॉम द न्यू कोलोनिज्म और नॉट, हाँ ठीक है ये कोलोनिज्म था है भी, क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे, खुद का कुछ करेंगे नहीं, हमें अगर एक रॉ मटेरियल लाइक अ गुड्स आई हैव यूज अ लोअर, यू डोंट बिलीव दैट आई हैव यूज अ लोअर फॉर नाइकी, दिस इज ऑल्सो मेड बाई चाइना, नॉट आई हैव नॉट सेइंग बट आई हैव अ सिंगल लाइक दिस इज पेन आई हैव यूज, दिस इज ऑल्सो मेड बाई चाइना, आई हैव यूज मोबाइल दिस इज ऑल्सो मेड बाई चाइना, तो दिस इज़ द कंसर्न्स है। देन मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल दी रिस्क, अब यहाँ पे तो आपको टैगोर के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, टैगोर सम मैंने बताया था ये अपने इंडियन फिलोसफर हैं और वेस्टर्न फिलोसफर आते हैं, तो आपका मे बी 10 वेस्टर्न 10 और इंडियन फिलोसफर, आपका विवेकानंद का भर होना चाहिए, गांधी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टैगोर हो गया, तो ये इन्होंने बताया है द थ्रोइंग द लाइट ऑफ इंडिया एंड द यूनिवर्सल फॉर द ह्यूमनिज्म एंड द प्रोविडेड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्कस द कंट्रोवर्सी फॉर द रेलेवेंस, हम हमें बताना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की हम के जो उनके विचार थे सार्वभौमिक एंड मानव जीवन में कैसे प्रभावित हुए, तो फर्स्ट हमें पहले बता देना कि यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म क्या है, रिस्टोर विथ इज द कोर्ट्स फायर द अर्थ इज बट नॉट वन कंट्री, सॉरी ये अर्थ इज बट वन कंट्री एंड द मैन काइंड इट इज़ द सिटीजन ड्यू टू द इट्स फोकस ऑन द वसुधैव कुटुंबकम
as value. This is the what a quotes can be used. Toppers can be learn how to write. अब इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल जो ह्यूमन काइंड है रिस्टोर करना है तो हमें करना है. अब हम इनसे रविन्द्रनाथ टैगोर से सीख सकते हैं. फिर वैल्यू है ये वसुधैव कुटुंबकम. दिस इज़ द आइडिया बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर एंड द टैगोर फॉर द टू द ब्रिक ऑफ द बेसिक एंड द इंडिविजुअलिज्म एंड टू एंड ओपन फॉर द गेट ऑफ अ बोर्ड ऑफ व्यू फॉर द कॉलोनियलिज्म. अब द कंट्रोवर्सी क्या है, रिलेवेंस है, अब इस टूडे लाइफ में हमारा क्या इम्पोर्टेंस है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. तो दिस इज आई हैव हाइड वॉज माई पेन इज सो देन आई हैव फिनिश ये दैट्स इनफ. तो इट्स ओके ब्रो लेट मी वर्क. डूइंग फॉर द वेस्ट फॉर द डेवलप कंट्री एंड इन टू द डेवलप कंट्री. हाँ ठीक है. इवन द थाली एंड्स अपॉन द ओशन एंड अपॉन अनस्टॉपेबल एंड इज टू फॉर द फाइनेंशियल लॉस ऑफ डैमेज एंड नेशन इंस्टीट्यूशन इवन द ग्लोबल इंटरेस्ट. हाँ अगर लॉस एंड डैमेज होता है तो हमारे जो वेस्टर्न कंट्री जो बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं उनको पे करना चाहिए नो डाउट्स. इंडोलिज्म एट द सोसाइटी लेवल. हाँ इंडोलिज्म सोसाइटी लाइक अ नैरो व्यू और द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी एंड द कम्युनलिज्म फॉर द प्रोहिबिटेड बाय द परिकेश एंड एट अ फैमिली लेवल डिस्कशन फॉर अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड अगेंस्ट टू द इक्वलिटी. ठीक है हम डिस्कस करेंगे क्या हम ये रविन्द्रनाथ टैगोर के थॉट्स हैं कि हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पर डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. दिस आर द प्रोडक्ट फॉर इक्वल एंड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म वुड बी द हेल्प ऑफ द ट्री फॉर द मैन एज एंड एंड इट हिमसेल्फ एंड द कांत कैटेगरी इंडिपेंडेंस द लीडिंग टू द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट अ जस्ट अ पर्सन अ कंट्री बट फॉर द ग्लोबल होल. ठीक है हमें पूरी कंट्री की नहीं पूरी दुनिया की सोचना. तो फाइनेंशियल डेवलप कंट्री टू हेल्प टू द अचीविंग टू द पेरिस गोल व्हाट इज पेरिस गोल यू हैव नो देन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द इन्वॉल्व लाइक डंपिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एसटीजी हमें डाल देना है सस्टेनेबल डेवलप ओशन सस्टेनेबल. आपको ये जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना ये सारे आपको याद होने चाहिए. जीरो हंगर नो पॉवर्टी लाइफ बिलो वाटर विच सस्टेनेबल कौन सा है और टारगेट्स क्या है. आप ट्रूली एडरेंसिंग फॉर द टैगोर आइडिया इज द रिलेवेंस टू द लाइफ मस्ट बी एंड द प्रोमोटेड फॉर द अचीविंग टू द प्रोफेशनल ह्यूमन एंड कोऑपरेशन. थैंक यू. अब जैसे यहाँ पे पिछली बार यूपीएससी में यहाँ से तो टैगोर आ गए कोई बात नहीं. टैगोर अब स्वामी विवेकानंद टू डे लाइफ वॉट एक्सपीरियंस यहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है. कौन कौन से लेसन आप सीखेंगे यहाँ से ये पूरा हु बहू आपका यूपीएससी के क्वेश्चन है. पिछली बार गांधी का पूछा था स्वामी विवेकानंद का पूछा था. टूडे लाइफ में क्या आप उनसे सीख सकते हैं कोविड में क्या सीख सकते थे. अब देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू एग्री विथ द व्यू दैट द नेचर एंड द नेचर इज विच इज द डिटरमाइंड फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंट अ पर्सन. अब आप इंश्योर हैं तो आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि डू यू एग्री कि आप एग्री हो विथ अ व्यू फॉर द नेचर. अगर मैं कोई चित्र देखता हूँ मे भी कोई मैं कुछ देख दिया नॉट अ नेचर विच इज़ द डिटरमाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एनी पर्सन या दैट्स राइट. क्या आप विचार से सहमत है कि चारित्रिक प्रवृत्ति न के परवरिश किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्धारण करती है. द
तो इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर फॉर द एबिलिटी टू यूज अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ सेल्फ एंड एज वेल एज टू अदर्स एंड लार्जर कोड्स. ठीक है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. पर हमें इमोशनल कि हम दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं कि नहीं. फिर लाइक कंपोनेंट्स क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मोटिवेशन हमें मोटिवेट करना चाहिए एंड एम्पैथी होनी चाहिए. सोशल स्किल बहुत ज़रूरी है एंड मोटिवेशन. ये डायमंड गोलमैन के बाय डायमंड गोलमैन ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. डायग्राम बना दिया. फिर आप क्या है कि नेचर एंड नॉन नेचर में बताना है आपको. तो AI इमोशनल इंटेलिजेंट प्रोविजन फॉर नेचर. नेचर के लिए क्या है डेवलपमेंट फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर टू द या ट्रांसफॉर्मेशन या इन ट्रांसपेक्टिव अगेन टू सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, कोई बात नहीं. रिक्वायर टू एबिलिटी टू टेक अ मोमेंट एंड थिंक बिफोर यू एक्शन फॉर योर सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है, इमोशनल इतनी भावुक भी नहीं हो जाना है तुरंत. हमें सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, दैट्स गुड थिंग. एंड रिक्वायर टू पार्टिसिपेशन फॉर द टेक इन अ बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिटिसिजम फॉर द वेलमेंट दैट. फिर यहाँ पे हमें अगर मे भी हो सकता है तो आपको यहाँ पे एग्जांपल भर भर के डालने हैं. इन्होंने यहाँ पे नहीं डाला यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट. तो सो द गांधीयन आफ्टर द चौरा चौरी कांड के बारे में बताया. फिर एबिलिटी टू टेक अ बियॉन्ड अ वॉल ऑफ इंडिविजुअल फॉर एम्पैथी लाइक यहाँ मदर टेरेसा के बारे में बता दिया. मदर टेरेसा एंड मलाला यूसुफ ये आपको बहुत ज़्यादा ये तो आपके नेचर पे थे. अब अगेंस्ट में कौन आएंगे नेचर के. तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द प्रोवाइड फॉर द अननेचर लाइक फर्स्ट रोल ऑफ मदर टेरेसा. Everybody have know what to do Mother Teresa for. No one can be the Mother Teresa and empathy for the compassion for emotional intelligence. अभी example यहाँ पर इन्होंने फिर से डाला. Example बहुत मस्त है. एथिक्स में examiner कैसे define करेगा आप क्या बताना चाहते हो. गांधी जी मदर टेरेसा गिविंग अ वशी वैष्णो जना टू ह्यूमन मे बी ह्यूमन्स एंड टू लाई रोल ऑफ फादर ऑफ टू टीच टू गाइडर या जेंडर टू जस्टिक एंड कंडीशनल फॉर द व्यू ऑफ ऑल ऑफ फैमिली लाइक कल्चरल कल्चरल में फादर का क्या था थ्योरी ऑफ कोल जस जैंक द रोल ऑफ या सीनियर्स टू द टीच फॉर द सोशल स्किल्स. एग्जाम्पल इन्होंने डाल दिया CS राठी IPS थी एंड द साइनिंग फॉर नेशनल एंथम टू द कोलेन क्राउड. ठीक है, बहुत सही अच्छा है. देयरफॉर अब क्या हमें कंक्लूजन देना है. इमोशनल इतना भी नहीं हो जाना कि नेचर और बियॉन्ड नेचर की नहीं जाना. तो देयरफॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट अ जस्ट फॉर द नेशनल या नेचुरल बट आल्सो टू लर्न बाय अदर्स एंड आल्सो टू फॉर्म ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नथिंग टू बी ऑब्जर्वेशन अराउंड अस. दैट इज गुड. इमोशनल इंटेलिजेंस है जस्ट अ नेचर. हाँ, नेचुरली आता है. अगर मैं मेरे फ्रेंड्स पेन में है तो मुझे उसकी पेन फील आएगी ना. एंड बट ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स. हाँ, मैं दूसरे से भी सीख सकता हूँ. बट फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस बाय नथिंग टू ऑब्जर्वेशन. दिस इज द मूव ऑन थर्ड. ये फिफ्थ है क्वेश्चन. वैल्यू दैट गाइडेड बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होना एडमिनिस्ट्रेशन
can be often and complete with the each other on owing to relative for importance and larger public interest and discuss with example. ठीक है, कोई बात नहीं. जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट होने चाहिए और वेलफेयर होने चाहिए सोसाइटी के लिए. तो वैल्यू क्या है हमें यहाँ पे डिफाइन करने पर, वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कैन बी चेंज. माई वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर अदर्स एंड अदर्स वैल्यू फॉर डिफरेंट फॉर द एनी बॉडी. तो वैल्यू कन्फाइंड ऑफ्टन एग्जिस्टिंग फॉर द लाइफ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफर टू लीड टू इथिकल एंड डायमेंशन फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. अब पब्लिक की लार्जर इंटरेस्ट क्या होगी? यूटिलाइजेशन राइट टू ऑल, मैं सबके साथ, नो कैन अनजस्टिस एंड द कॉमन गुड्स लॉ एंड रूल. मैं लॉ एंड रूल को लेके चलूँगा कि किसी के साथ, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल भी जोड़ देना चाहिए. दिस इज कैन बी सीन इन, और ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन होना चाहिए. सीन फॉर द एफिशिएंसी फॉर आइडेंटिफिकेशन विच इज द अनेबल फॉर पीपल गेट टू डेक्सल्यूट एंड सीनरी फॉर, पहले हमें बताना है सीनरी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों के बीच में कॉन्टेक्स्ट आएगा. विच इज द कॉन्फिडेंट पार्ट बिटवीन द राइट टू इंटरेस्ट ऑफ नेशन एक्ट एंड ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट एंड अनदर एग्जाम्पल बाय द DLF स्कैम एंड एक्सपोज फॉर अशोक खेर के and bureaucrat must be the democratic and altitude after face for the Bavarian and the noodles the babe series one the babe achieve for the example like Armstrong bomb building this is the most common bureaucrat ko hamara like public food pe kaam karna chahiye like inhone Armstrong क्या किया था कि दिस इज़ लाइक त्रिपुरा एंड असम ही बट क्राउड फंडिंग करके इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट की थी बहुत बड़ा. जैसे आपको गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको फंडिंग नहीं दे रही और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है कि यहाँ पे रोड बने. तो इन्होंने क्या किया था, लाइक जो पीपल्स थे और सम अपनी मनी और ये पब्लिक फंडिंग से इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट की थी वहाँ पे. तो ये हम डालना चाहिए अपॉम बिल्डिंग फॉर द पीपल रोड विथ इज द क्राउड फंडिंग एंड ड्यू टू द रूल ऑफ फंड फॉर द करंस. अब ये वेलफेयर के लिए किया गया ना एज सिविल सर्वेंट एंड डिसिप्लिन फॉर द वॉइस ऑफ कॉन्शन. अब हमें मुझे दूसरों के भी सुनना है. वेन द सेक्शन एंड टेल फॉर द सोसाइटी या समथिंग बट विच इज कैन नॉट सीन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ओन कॉन्शियस लाइक सीनियर asking to junior to what from some different between without giving a reasons. अब हम यहाँ पे conclusion देंगे. need is other for the scenario. it is the two term to wide two word for the living a great man or woman learn what the they can did and responsible for ethical dilemma and affording for integrity and the objectivity which is the while working from the larger public interest always the leaders या lead by to good results. अब सिविल सर्वेंट का ये काम होना चाहिए क्योंकि आप इसीलिए गए ही हो सोसाइटी में कि आप वहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क करोगे, नॉट ओन इंटरेस्ट के लिए. एथिकल डिलेमा है टू लर्न एंड द पब्लिक इंटरेस्ट के ऑलवेज आपको फर्स्ट थिंग आपको पब्लिश You are a servant. What is the meaning of servant? You have served the society, you have served the peoples. Maybe you have reading lot of things, but your ultimate goal, you have served the society. Injustifiable. Is the justifiable save for the corruptions and the is so social phenomena. ये कहना तर्क संगत है कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक परिघटना. हाँ ठीक है, कह सकते हैं. प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सम, पहले तो कहना ही क्या संगत है. करप्शन हैज़ बीन डिफाइंड, फर्स्ट हमें करप्शन ही बता देना. करप्शन हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द
एज अ म्यूजिक ऑफ अथॉरिटी फॉर अ पर्सन एंड मोरलिटी बिज ऑफ्टन गेन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोऑपरेशन एक्ट 1988 के थ्रू दिया गया था कि इसके थ्रू आप ऐसे करो। फिर डिस्प्यूट बिंग विद अ पर्सन प्रिवेंशन एज अ इंडिविजुअल एंड फिनोमेना ग्रेट गोल्स डीपर्स। ठीक है, करप्शन एज अ सोशल फिनोमेना। अब करप्शन एज सोशल फिनोमेना क्या है, जो सामाजिक हमारी एक्सेप्टिंग ड्यू टू द एल्टीट्यूड ऑफ द सोसाइटी दैट इज द स्मॉल पेमेंट फॉर अदर द ऑयल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आप थोड़ा सा पैसे लो और लेने लोगो कलेक्शन फॉर द नेशन एंड द सोसाइटी फॉर द पर्सनल गेन लाइक ICI वीडियो कॉन स्कैम। इन्होंने ये एग्जाम्पल मर मर के डालना है। ब्यूरोक्रेट्स आर द रिफ्लेक्टिंग फॉर द सोसाइटी मोरल करप्शन ड्यू टू द होप ऑफ फॉर रिटर्न एंड रिटर्न फॉर द मनी। हाउ एवर आप कंक्लूजन दो, आप कंक्लूजन में नहीं, अब इसके फेवर में जाओ। Adaptation from the being a social phenomena that is reflected for the individual leave back level back for the temperance for the version and basic grade for the Buddha's concept में जाओ consider for the wrong leading to the Gandhi's sense and the wealth without a morality not work या on work। अब हमारे पास वेल्थ है, विदाउट मोरलिटी के वर्क नहीं करेगा। फिर मैं वे फॉरवर्ड भी दूंगा कि मोरल एटीट्यूड क्या है। मोरल एटीट्यूड फॉर सोसाइटी नीड टू द चेंजेस वाई द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन फॉर द पोसा एक्ट आ जाएगा एंड 1888 फॉर डिटरमिनेंट फॉर द डिवालिस एंड द फियर थ्योरी मोरल्स एंड द ओवर होल्डिंग फॉर द ब्यूरोक्रेसी वाइल फॉर द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लाइक सेकेंड ARC रिपोर्ट के तरफ। ये सेकेंड ARC रिपोर्ट का पीछा नहीं छोड़ना आपको और पढ़ना है, इसके फ्यू चैप्टर पढ़ना है लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 9, 10, and 15, 14। दिस आर द चैप्टर इम्पोर्टेंट फॉर सेकेंड ARC रिपोर्ट, यू हैव रेड डाउन एंड विच इज विद द अफोर्ड फॉर द सस्टेनेबल रोल फॉर ब्यूरोक्रेसी टूवर्ड फॉर द योगा शर्म। योगेश शर्मा ही है। अब यहाँ पे देखो कोट्स आ गए आपको, गरीबी पर आप काबू पाना दान का कार्य नहीं है, यह न्याय का कार्य है, नेशनल मंडेला का काम आ गया। हाँ, अगर गरीबी है दान में सब बांट दोगे तो कैसे कंट्रोल करोगे भाई। दिस इज नॉट अनजस्टिस। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इंडिया का जो वेल्थ है 1% मनी है, 100% मनी है जो हमारा, 90% मनी है वो ओनली 10% पीपल के पास। और जो वही 10% बचा उसमें मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सारे आ जाते हैं। दिस इज सिचुएशन फॉर एनी कंट्री दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। गरीब पर काबू पाना दान का कारण नहीं है, दैट इज सो गुड। ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट टेकन बाय चैरिटी, इट इज एक्ट फॉर द जस्टिस, नेशनल मंडेला सेज दैट। हाँ, तो हम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे कि हम गरीबों को दान कर दें, उनको अमीर बना देंगे, ऐसा थोड़ा ना, वो फ्री का मुफ्त का पा जाएंगे, उनको काम करने की वही नहीं रहेगी। वेनेजुएला ऐसे कंट्री था, वहाँ की गवर्नमेंट ने छाप दिया खूब करेंसी, लो ऐस करो, क्या हुआ वहाँ 10 रुपये का। भाई सबके पास मनी हो जाएगी तो वहाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत आ जाएंगे भाई। प्रॉब्लम्स ये थी वेनेजुएला में कि लाइक मैं पेन ख़रीदने गया, उसके प्राइसेस है 10 रुपीज़ इन वेनेजुएला करेंसी सॉरी। तो अब सबके पास पैसे हैं, मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, वो 20 रुपये आगे दे रहा है, भाई तो फिर इन्फ्लेशन तो हो गई है ना। तो अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने जॉब के अकॉर्डिंग, पर अनफेयर इतना भी नहीं होना चाहिए। यू हैव लिव इन मिक्स इकोनॉमिक एंड नॉट अ कैपिटलिस्ट।
तो फर्स्ट आई हैव रीड द कोट्स व्हाट कैन से, हम कि गरीबों को अगर दान दे देंगे तो वो अमीर हो जाएंगे, भाई नहीं, और ये न्याय का काम नहीं है, तो दैट इज़ नॉट फॉर जस्टिस, एक्ट फॉर जस्टिस। तो दिस कोट्स बाय द नेशनल मंडेला थ्रो फॉर द लाइट ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस टू जीवा एंड इस सिवा सर्विस टू सिवा, ठीक है, गिवेन द स्वामी विवेकानंदा। इट इज़ द टॉक अबाउट ऑफ हाउ टू ओवरकमिंग फॉर पॉवर्टी रिक्वायर्ड नॉट अ जस्ट फॉर द सिग्निफैथिक फॉर अप्रोचेज फॉर द चैरिटी बट रिक्वायर्ड टू इम्पैथी एंड द कंपैशन फॉर द गोइंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट एंड फॉर द अनजस्टिस या जस्टिस फॉर द रस्टिन सेंस रॉबिन्सन सेंस। दिस कैन बी द ट्रैक ऑन द इफेक्ट फॉर इंडियन एज वेल द नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस या आई डोंट अंडरस्टैंड एंड अडॉप्टेशन फॉर द स्लोगन एंड द स्लोगन, अच्छा सी स्लोगन ही था ये, गरीबी हटाओ, ठीक है था, और भी था, बहुत सारे स्लोगन थे कि हमारे पास FDI बहुत कम थी, एंड स्टक टू द वेल अगेंस्ट फॉर ऑफशोर अप्रोच ऑफ इरेडिकली फॉर पॉवर्टी हु एक्चुअली एडेप्टेड फॉर द केस एम्प्लॉयमेंट वाइज एजुकेशन वर फॉर स्टेप ब्रेक ऑफ द सर्किल फॉर डेवलपमेंट। सिमिलरली क्या है, देन हम सेकेंड बता देंगे, अडॉप्टेशन ऑफ द चैरिटी एड इज द अप्रोच फॉर द जस्ट ऑन द ब्रेकिंग अडोल्स ओनली अप्रोवर एंड द मोनेटरी रिलीफ फॉर नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एंड एडुकेशन, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं चैरिटी कर भी दिया तो वो पीपल क्या आपको चांसेस हैं कि वो पुअर ही नहीं रहेंगे भाई, उनको देखो पैसे आने बड़ी बात है, पैसे का मिसयूज़ और उसका यूज़ कैसे किया जाता है ये आप पुअर्स नहीं, मैं इफ़ एनी पर्सन वेरी पुअर आई हैव डोनेट 1 lakh rupees व्हाट कैन बी डू, ही वाज डूइंग लाइक लग्जेरियस लाइफ, ही वाज परचेजिंग समथिंग एल्स, देन यू हैव 1 month यू हैव गो टू वन द पुअर फैमिली, देन ही हैव रियलाइज विद इन 1 month ही वाज आल्सो पुअर। तो नीड इट इज़ द वर्क फॉर टू वर्ड फॉर एम्पावरमेंट फॉर लाइक स्किल, मैं उनको स्किल सिखाऊंगा, एजुकेट करूंगा तो वो नए नए सोशल डायमेंशन, फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, स्किल एंड एजुकेशन एंड द स्पिरिट फॉर द डूइंग अ जस्टिस फॉर द लाइफ, लाइफ इज बिज द गांधीयन एम्स टू द अंतोदयास। कंक्लूजन है इस पैसेस का, नेशनल मंडेला से कि अगर मैं चैरिटी कर दूंगा तो इतना, मेरा यह मानना है जहाँ कायरता हिंसा में केवल किसी एक को चुनना है वो, मैं हिंसा को चुनने में सलाह दूंगा। वही महात्मा गांधी सेज दैट कि आई डू बिलीव, उनका बिलीव था दैट देर इज़ द ओनली चॉइस बिटवीन द कोऑर्डिनेंस एंड वायलेंस, तो आई विल बी एडवाइज टू चूज अ वायलेंस, ठीक है। अब गांधी थे वायलेंस, हाँ साइलेंटली तो किसी से निकलता नहीं है, तो ये गांधी जी के थॉट पर कोड उन्हीं का, तो डायमेंशन उन्हीं का देने पर ही, दिस कोर्स द गांधी जी थ्रू ऑफ द लाइट एट द वैल्यू ऑफ प्लेटो एंड कार्डलेन वर्सल एंड द फोर्टिट्यूड विथ इज द रियल लाइफ, दिस इज द इन्वॉल्व टू स्पीकिंग ऑफ अगेंस्ट टू द रॉन्ग हैपनिंग एंड साइड द जस्ट बींग फॉर द साइलेंटली, हाँ अगर मेरे साथ रॉन्ग हो रहा है
तो मैं उससे शांति से नहीं सॉल्व कर सकता। दैट्स राइट। डू आई एक्शन, दिस इज फॉर द ट्रैक फॉर द रिचुअली फॉर अफोर्ड फॉर मिस्टर सर्वोदया सत्येंद्र दुबे। वेयर इज द फॉरगेट फॉर द माफिया टूथ ऑफ द नेल एंड द कैरस फॉर द डीड नॉट गिवेन टू द बुश ऑफ मनी एंड डेट ऑफ थ्रेटन गिवेन बाई हिम। हाँ, तो मिस्टर सत्येंद्र दुबे थे, उन्होंने क्या किया था, फाइट नेल एंड देट दांतों तले उनकी घुंघरी चढ़ा दिया था एंड गिव टू द ह्यूज मनी फॉर द डेट एंड थ्रेटन गिवन हिम। हम देंगे ही। दिस कैन बी आल्सो द ट्रीटेड फॉर द काइंड एंड विथनेस फॉर बिलोंग फॉर द एक्शन फॉर द स्नोडन एंड रेलवेशन फॉर हाउ एवर द चूजन अफोर्ड फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द डिसाइन एल्स द स्टेट सर्विलेंस रेदर देन द स्टैकली फॉर द आउटब्रेक या रूल बुक फॉर द सीनेरियो इन द मॉडर्न टाइम्स। अब इन्होंने क्या किया, कैसे अपने पैसों को पहले एंशिएंट टाइम्स में गए, फिर मॉडर्न टाइम्स में गए, अब ये करेंट टाइम्स में जाके कंक्लूड कर देंगे। तो दिस इज़ द मॉडर्न टाइम, दिस इज़ द रिक्वायर ऑब्जेक्टिव फॉर द विजडम एंड द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल चूजन बाय द राइट टू फॉर फॉर द फॉर स्पीकिंग एंड विट इज़ द निष्काम कर्मा। निष्काम कर्मा वाला चला गया भाई, अब तो फिर हम इसमें पे डाल देंगे एज इंडिविजुअल एज अडॉप्टेशन फॉर द पाथ ऑफ द फीलिंग फॉर RTI राइट टू फिर अप्रोचिंग फॉर द मीडिया। अब साइलेंट से काम नहीं चलेगा। दैट इज एज अ सिविल सर्वेंट आई बिलोंग टू द विस्टेड फॉर लैंड फॉर ऑटो या अथॉरिटी फॉर अंडर द सेक्शन 4 फॉर द वाइडल ब्लोफ एक्ट 2000 वाइल्ड या बिलो फॉर द एक्ट दिस इज द वुड बी हैव टू अडेप्ट इन जस्टिस इज द रियल सेंस एंड द प्रिवेंट बाय द सीन ऑफ कौटिल्या मास्टर नायका। अब कोई बुक आपने पढ़ी हो तो बहुत ज़रूरी है भाई इसमें मेंशन करना। बहुत टप उठा लिया क्या, डोंट वरी मैन यू हैव डू इट। आपको बस टॉपरों की कॉपी से सीखना है कि हाउ टू राइट हाउ बूस्ट योर मार्क्स। अगर आप इसमें से दिस इज थ्री पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, फर्स्ट योर ऑप्शनल, सेकंड योर एशे और फोर्थ इज योर एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर में 250 में से अगर 135 या 150 भी ले आओगे, 135 तो आने ही आनी चाहिए। और एशे का पेपर आपको 200-205 मैंडेट, तो मे भी आपको 180-190 तक आपको एटलीस्ट आना चाहिए। 90 नहीं तो 150 तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए, 170 तो मिनिमम मार्क्स, नहीं तो यू हैव नॉट क्वालिफाई। देन दिस इज अलग केस स्टडी आपकी आएगी यहाँ से। तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन एंड आई हैव स्किप वन क्वेश्चन इन अदर, तो देन आई हैव आल्सो रीड चेंज इज नॉट अ रोल ऑफ व्हील टू इन वेल्ट वी बट कम्स थ्रू आउट द कंटेंट स्ट्रगल एंड द मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताना है कि परिवर्तन अपरिहर्ता पहियों पर नहीं चलता बल्कि निरंतर संघर्ष के माध्यम से ही आता है। मार्टिन लूथर जो परिवर्तन है, लाइक परिवर्तन हु हैव टू रिवोल्यूशन, यू हैव आल्सो रीड फॉर योर हिस्ट्री एंड 1857 रिवोल्ट ऑकर्ड बाय यूथ लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह, दिस आर द हीरोज एंड आल्सो द टूडे एंड करेंटली एनी सोसाइटी कैन बी रिवोल्यूशन अकर बाई यूथ बिकॉज वार्म ब्लडेड होते हैं और उन पर अभी जोश रहता है। तो दिस कोड बाई
किंग मिस्टर किंग हाईलाइट दैट इज द एडॉप्टेशन वैल्यू ऑफ स्ट्रगल मीनिंग ऑफ एफर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूटी मीनिंग ऑफ प्रिवेंशंस परसिवेंस आफ्टर द लाइफ वी आर द बर्डन या बर्डन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डिसाइड आई गेट टू एशे इज इट वॉज फॉर द रिजल्ट दिस इज ऑफन लीड टू द लेजीनेस एंड द प्रोक्लेनेशन सच एज द टाइम टू रिक्वायर एब्सेंस टू वैल्यू हाँ ठीक है टू वैल्यू पढ़े फर्स्ट इज द मोटिवेशन एंड इंट्यूशन फॉर द टूवर्ड फॉर द गोल एंड कंट्री कंटिन्यूसली फॉर द ड्यूरिंग द यू पी एस सी प्रिपरेशन इन्होंने एग्जाम्पल्स किया है द यू पी एस सी प्रिपरेशन एंड द मेमोराइज दिस इज एज एस्पिरेंट हाँ टायर जस्ट गिव अप और रन आफ्टर शॉर्टकट बट आई एट दिस द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दे एनी थिंग कैन बी हु कैन मेक ठीक है यू पी एस सी प्रिपरेशन से हार्डवर्क किए और इनका मन कर रहा था गिव अप कर दें नहीं किए और ये हार्डवर्क का है कंपटीशन का दौर है तो इसमें से करना ही पड़ता है इफर्ट एंड प्रिवेंश एंड सक्सेस इंड लाइक अ टॉपर्स ऑफ 2000 इन्होंने एग्जाम्पल सी एस सी 2000 गेटिंग अ रैंक फर्स्ट एंड 5 अटैम्प्ट ठीक है इन्होंने दिखाया है कि आप कंटिन्यूटी करो 5 अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट में हम करूँगा सिमिलरली इवन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1-1 बाय द डे 1 ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ द रिक्वायर्ड टू द नैरो फॉर द साइंटिफिक एंड द कंटिन्यूस एफर्ट एंड बाय द लीडिंग टू द फॉर फॉर द ब्रिटिश एडवांसली लिव टू इंडिया हाँ हमने एफर्ट किया अब फर्स्ट अगर मैं रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ और मैं इफ़ आई थिंक कि द ब्रिटिश केम टू द ब्रिटिश अंग्रेज चले जाए अंग्रेज इंडिया छोड़ के तो हाउ कैन पॉसिबल देन यू हैव रिवॉल्ट सच थिंग कैन डू देन तो अंग्रेज भागेंगे ऐसे कैसे चले जाएंगे तो दिस आर द कीवर्ड्स फिर हम कंक्लूजन करेंगे इसको कि टुडे स्टैकिंग टू द प्रिंसिपल रिक्वायर्ड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द मोशन द मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन टू द कंटिन्यूसली टू स्ट्राइव फॉर द गोल ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ दस दैट इज द कंक्लूजन देन मूव ऑन विच क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड इफ यू हैव सॉरी गाइस यू हैव डाउनलोड दिस पीडीएफ फॉर यू हैव गो टू योर लॉ मैंने रेफरेंस बता ही दिया था ये सिटीजन चार्टर एक्ट भी बता दिया पब्लिक ऑफिस दिस क्वेश्चन कैन आई कैन स्कीम तो लेट मी नो व्हाट कैन बी डिस्कस मॉरल फाइबर इथिकल कंडक्ट लोक प्राधिकारियों की आंतरिक शक्ति मॉरल फाइबर एंड नैतिक आचरण में केवल शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं बल्कि उसके स्वयं के हितों में प्रदर्शन के लिए प्रभावित एवं सम्मिलित करते हैं द मॉरल फाइबर इज द इथिकल कंडक्ट एंड द पब्लिक ऑफिस नॉट इज द इन्फ्लुएंस एंड स्टैंड बाय द गवर्नेंस बट आल्सो देर इज द ओन इंटरेस्ट एंड द परफॉर्मेंस एलिवरेट करना है फिर से पढ़ लो नहीं समझ में आ रहा है बार बार पढ़ो क्योंकि आपको लिखना है मार्क्स गेन करना है भाई मॉरल फाइबर क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए फिर इथिकल कंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस नॉट ओनली फॉर इन्फ्लुएंस आप इन्फ्लुएंस थोड़ा ना कर सकते हैं पब्लिक एंड स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट आल्सो टू ओन इंटरेस्ट लिब्रेट करना ठीक है तो हम यहाँ पे पब्लिक
मोरल फाइबर कीवर्ड्स हो गए, फिर पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक ऑफिस, इथिकल कंडक्ट। तो पहले मैं बता दूंगा, मैम मैं एक बार हिंदी पढ़ लेता हूँ। लोक प्राधिकारियों की आंतरिक शक्ति, मोरल फाइबर, मतलब हाँ जो हम लोग होते हैं लाइक एनी सिविल सर्वेंट, उसके पास कुछ ओन डिसीजन होते हैं। नैतिक आचरण न केवल शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करते बल्कि उनके स्वयं के तो हाँ प्रभावित करते। सब विस्तार से एलिबरेट करना। हाँ तो देखो, जैसे आई हैव लर्न समथिंग फॉर द बुक्स एंड माई सोसाइटी, देन आई हैव इम्प्लीमेंट माई एक्सपीरियंस फॉर दोज सोसाइटी। तो इससे खाली सोसाइटी थोड़ा ना सीखेगी, इससे तुम खुद सीखोगे। तो पब्लिक ऑफिस, योर ऑफिस, ऑफिसशिप, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जस्ट सर्विस डिलीवरी, बट अबव अपलोडिंग एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन दिस रिस्पेक्ट देर इज़ द मोरल फाइबर ऑफ एथिकल कंडक्ट इज बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर बिकॉज हम अब यहाँ पे बता देते हैं कि मोरल फाइबर क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, अगर गुड गवर्नेंस होगा, हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। अपहोल्डिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव नीड फॉर द टास्क, लीडिंग बाय द रूल्स ऑफ बींग द अपलोडिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए। एम माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एज अ वैल्यू अपोर्डिंग, इसमें क्या है, और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ये आप सर्टिफिकेट देती है, और एनी स्कीम कैन बी दो आल्सो अपलोडिंग फॉर द टेम्परेचर एज वेल वैल्यू फॉर द अवॉइड फॉर द कंपेशन, लाइक ये अशोक खेमकाम का बता दिया। अपलोडिंग अशोक खेमकाम का मैं एग्जांपल दे दूंगा, इन्होंने अपनी बेटी को, जैसे ही वॉज अ सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर, इन्होंने अपनी बेटी को एक एग्जाम्पल सेटअप किया है, इन्होंने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ा के। अपलोडिंग फॉर द ड्यू टू द फाइबर एंड ड्यूटी द इंश्योर टू द सिटीजन एंड सर्टिफिकेशन फॉर द आर्मस्ट्रांग पॉम बिल्डिंग फॉर द पॉम। अब इन्होंने ये भी एग्जांपल क्राउड फंडिंग करके, ये तो दूसरी बार इन्होंने यूज़ किया, पर ये दो एग्जाम्पल बहुत अशोक खेमकान का और ये पॉमस्ट्रांग का बहुत ज़्यादा आपको मोस्टली कहीं भी आ जाए कुछ डू करने के लिए डाल दो। अफोर्डिंग फॉर द वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट फॉर द वीकनेस सेक्शन, हाँ ये प्रशांत नायर फॉर द ये कंपोजिशन फॉर द कोजी कोड कंपनी फॉर द फीड ऑफ पुअर्स, दिस इज आई हैव रोट डाउन फॉर ओन इंटरेस्ट। अब ये तो पब्लिक के लिए था, ओन इंटरेस्ट में क्या हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, एंड परफॉर्मेंस हेल्प टू द अपहोल्डिंग फॉर द कनाटिया डिस्ट्रिक्ट एंड डाउरी बॉर्डर, हेल्पिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट फॉर इंश्योरिंग द सर्टिफिकेशन फॉर कंसर्न, बेटर परफॉर्मेंस फॉर द वैल्यू इथिकल इंटेलिजेंट मोशन बेटर एंड प्रोशल फॉर द प्राइवेट DM एंड सूरजपुर एंड स्लैपिंग मैन, हाँ ठीक है। अपहोल्डिंग फॉर द गांधीयन सत्याग्रह विवाद प्रेफरेंस फॉर द वेलफेयर स्टेट अंडर द आर्टिकल 38, दिस आर द नॉर्मल फैब्रिक फॉर द इथिकल एंड कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट साइन अ कोड वाले फॉर इथिकल गवर्नेंस, दिस आर द, ये आपको कंक्लूजन था। हमें पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बताना है ना, तो थैंक यू गाइस, एंड इन दिस नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस केस स्टडी 8 है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। So thank you for watching and lot of support. Next 15 days I can discuss like a 50s compi for toppers. So thank you for watching this video. Thank you. This is first. So then next time I have read multiple times. Then I have think I have conclude. I have given a best version myself. So thank you. Lot of support.